राजगढ़ के थाना अधिकारी रहे विष्णुदत्त विश्नोई संदिग्ध आत्महत्या प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा कराई जा रही है। इस मामले में धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं और एक एक करके कई गंभीर बातें और घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में विष्णुदत्त विश्नोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदेह के घेरे में है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर कहीं न कहीं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या के पश्चात करीब 24 घंटे चले आंदोलन के बाद 24 मई को प्रातः उनका पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान पुलिस व प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष कहा था कि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें मेडिकल ज्यूरिस्ट भी शामिल रहे। चूंकि ये बात उच्चाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक तौर पर कही गई थी, इसलिए उस पर कोई आशंका नहीं रहती। मगर अब जो रिपोर्ट के बिंदु सामने आए हैं, उस पर चारों ओर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके प्रथम पेज पर एकमात्र चिकित्सक के जो नाम है वो डॉक्टर श्रवण कुमार का है, उन्हीं के द्वारा ये पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि अंतिम पेज पर एक और डॉक्टर के भी हस्ताक्षर हैं, जो रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद भी करवाए जा सकते हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि डॉक्टर श्रवण कुमार वही चिकित्सक हैं जो पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट बनाने के मामले में न सिर्फ विवादित हैं, बल्कि उनके इस प्रकार के ऑडियो भी वायरल हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि संदिग्ध मौत और जन आंदोलन की स्थिति के बाद करवाए गए पोस्टमार्टम में सिर्फ खानापूर्ति की गई ऐसा नजर आता है। पोस्टमार्टम के दौरान किसी प्रकार का विसरा लेकर FSL को नहीं दिया गया, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नो सैंपल सेंट टू FSL बीकानेर। इस प्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामला और गहराता जा रहा है, जहां एक तरफ विष्णुदत्त की मौत को संदिग्ध माना गया और उनके आत्महत्या के कारणों का कोई नया खुलासा होने की पूरी संभावना है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। और इसी बीच कृष्णा पुनिया की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें वो किसी गिरफ्तार करके ले जा रहे अपराधी को छोड़ने की बात कर रही हैं। आया भाई, आधी घंटा। हाँ दलीप जी, मैं विधायक साहब बात कर रहे हैं। हाँ सर। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार, रोहतास बाकर को लेके आए हो आप? हाँ सर। छोड़ दो उसे अभी यहीं पे। मैडम, इसने रिजवान के साथ भी आता भाई कल दी। कोई आता भाई नहीं कि आप छोड़ो इसको। मैम वो तो गाड़ी आगे चली गई, सीआई साहब से बात कर लो। मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को ये मेरे साथ नहीं है। मैंने क्या किसी से सीआई वगैरह से किसी से बात नहीं करी, आप पकड़ के लाए हो, आप छोड़ो उसे। मैम मेरे पास नहीं है, आगे दूसरी गाड़ी है, वो उसके मैं गया हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको छोड़वाना। ठीक। हाँ उसको छोड़ना है। ठीक।